पीएम मोदी समेत अन्य बड़े नेताओं ने दी देश को ईद की बधाई। जानिए किसने क्या कुछ कहा। खबर शुरू करने से पहले आप सभी को बिग हेडलाइंस की तरफ से ईद उल फित्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलते बढ़ते हैं खबर की ओर। सभी लोग ईद की शुभकामनाएं दे रहे हैं। ईद का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और कई दूसरे बड़े नेताओं ने भी लोगों को ईद की बधाई दी है। आइए जानते हैं कि किस नेता ने क्या कुछ कहा। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों के लिए ट्विटर पर संदेश दिया कि ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुभ अवसर हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाए। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोगों को ईद की बधाई देते हुए लिखा, ईद उल फित्र के विशेष अवसर पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पर्व चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि लाए। ईद मुबारकबाद। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लिखा, ईद मुबारक। ये पावन पर्व प्रेम की भावना का संचार रहे और हम सभी को भाईचारे और सद्भाव में बंधन में बांधे रखे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस खास मौके पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा कि आप सभी को ईद उल फित्र की ढेरों मुबारकबाद। आपसी प्रेम और भाईचारे का यह त्यौहार आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बधाई देते हुए लिखा, ईद के इस मौके पर प्रदेश और देशवासी, विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को शुभकामनाएं। खुदा इस मुबारक दिन पर आप सबको बड़ी रहमतों की बारिश करे और हम सबों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लाए। समाज में अमन चैन, भाईचारा पूरे तौर पर कायम रहे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल बिग हेडलाइंस को सब्सक्राइब करें।